नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल पर मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं किचन में वीडियो क्यों शूट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज का वीडियो जो है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो किचन से ही रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं खाना पकाने के लिए जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसे किस प्रकार से इस्तेमाल में लाना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या का है, क्या क्या है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदों के बारे में। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे मार्केट में कौन कौन से अलग अलग टाइप के मिट्टी के बर्तन अवेलेबल है उसके बारे में। थर्ड नंबर हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तन जब हम मार्केट से पहली बार लेके आते हैं तब उसे किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए, उसे बाद में इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन से सावधानियाँ लेनी चाहिए इसके बारे में। फोर्थ नंबर पर हम बात करने वाले हैं मिट्टी के बर्तन में खाना किस तरह से पकाना चाहिए उसके बारे में। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों को साफ़ कैसे करना है, खाना पकाने के बाद उन्हें किस तरह से साफ़ करके और सुखा के रखना चाहिए उसके बारे में। और अंत में हम बात करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मिट्टी के बर्तनों के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं उसके बारे में। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे वीडियो के लिए। फर्स्ट, मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदे। दोस्तों, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो किस प्रकार से, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मिट्टी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब भी हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उस खाने में से एडिक्वेट अमाउंट में फॉस्फोरस और कैल्शियम मिलते रहता है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम या फिर स्टील के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो ऐसा कुछ फ़ायदा हमें उसे नहीं प्राप्त होता है। और मिट्टी के बर्तनों का सबसे अच्छा फायदा अगर कोई है तो वो है जब हम मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व है वो 100% तक उस सब्जी में वैसे ही रहते हैं और वैसे ही हमारे शरीर में भी जाते हैं। वही अगर हम लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं तो जो भी खाना है उसका 98% तक पोषक तत्व उस खाने में बचता है। अगर हम एल्यूमिनियम और स्टील की बात करें तो अगर स्टील के बर्तन में हम खाना पकाते हैं तो उसमें करीब करीब खाना पकने के बाद 50-60% तक पोषक तत्व सिर्फ बचता है, बाकी सब पोषक तत्व खत्म होता है। और वही अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तन की बात करें तो एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया हुआ खाना पोषक तत्व के मामले में 0 होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में जब भी हम खाना पकाते हैं तो उसमें जो पोषक तत्व है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। और वही एल्यूमिनियम खाने से रिएक्ट होके एल्यूमिनियम जो भी हम खाना बना रहे हैं उसे रिएक्ट होता है और उसके जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं वो भी हमारे खाने में मिल जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन तो इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मिट्टी के बर्तनों में बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा स्वाद देता है। आप खुद भी कभी ट्राई कीजिए, बड़े बड़े होटलों में भी आपने देखा होगा मिट्टी के हांडी में बिरयानी मिलती है, मिट्टी के हांडी में दाल बनती है, मिट्टी के हांडी में राइस बनता है। तो वो मिट्टी के हांडी में क्यों बनता है, क्योंकि उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो अगर हम होटल में जाके मिट्टी के बर्तन में खाना खा सकते हैं तो हम घर पे मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं ला सकते, है कि नहीं। सेकंड, मार्केट में कौन कौन से मिट्टी के बर्तन अवेलेबल है। तो अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे तो मिट्टी के बर्तनों के बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और अगर मेनली क्लासिफाई किया जाए तो मिट्टी के बर्तनों के दो टाइप्स होते हैं, एक लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन और दूसरा काली मिट्टी से बने हुए बर्तन। जैसे कि आज मैं दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने घर पर कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। ये है मिट्टी की हांडी जो मैं खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसका इस्तेमाल मैं सब्जी, राइस या फिर और कुछ हो उसके लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। चाहे ग्रेवी वाली सब्जी हो, सूखी सब्जी हो, हम इसका इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास और एक है, तो जो छोटी साइज़ वाली हांडी थी वो मैं सब्जी बनाने के लिए जनरली यूज़ करती हूँ, और ये थोड़ी बड़ी साइज़ में है तो इसका इस्तेमाल मैं राइस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। दोस्तों, मिट्टी का ये एक बर्तन मेरे पास है, इसका इस्तेमाल मैं दही जमाने के लिए करती हूँ, और बिलीव मी मिट्टी के बर्तन में दही बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों, इस प्रकार से मिट्टी का तवा भी आता है, ये लाल मिट्टी से बना हुआ है, इसका इस्तेमाल आप रोटी पराठा ऐसे बनाने के लिए कर सकते हैं। वही हमारे मेरे पास ये ग्लासेस भी है जो हम जनरली पानी पीने के लिए यही रेगुलरली यूज़ करते हैं, ये भी लाल मिट्टी से बने हुए हैं। दोस्तों, अगर हम मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों की बात करते हैं तो चीनी माटी से बनाए हुए जो बर्तन आते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। चीनी माटी के जो बर्तन होते हैं वो अगर हम खाना बनाने के लिए या फिर परोसने के लिए या फिर खाने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हमें वो लाभ नहीं होता है जो हमें इन मिट्टी के बने हुए बर्तनों से मिल पाता है। चीनी माटी से बनाए हुए बर्तनों में ये कुछ सैंपल्स मेरे पास हैं, इस तरह से मग आते हैं, ये जनरली चीनी माटी से बनाए हुए होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी चीनी माटी से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये सारे बर्तन जो है वो ये हमें इस्तेमाल में नहीं लाने हैं, क्योंकि चीनी माटी से बनाए हुए जो बर्तन होते हैं वो उनका सरफेस जो होता है वो बहुत अच्छे से पॉलिश होता है, और इस पॉलिश में बहुत सारे केमिकल मिलाए हुए होते हैं जो
गर्म खाने के साथ रिएक्ट करते हैं जब भी हम उसमें कुछ गर्म डालते हैं, और जनरली हम ऐसे मग्स का इस्तेमाल गर्म चाय या फिर गर्म कॉफ़ी सेवन करने के लिए ही करते हैं, तो वो इसके साथ रिएक्ट होता है और हमारे शरीर में जाके पॉइजन पैदा करता है। थर्ड, मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके मन में डाउट होता है कि खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन तो बहुत अच्छे हैं, कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, यूज़ में लाने चाहिए, पर इस तरह के जो बर्तन होते हैं वो किस तरह से उपयोग में लाने चाहिए वो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो अब मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। जब भी आप इस तरह की हांडी या फिर कोई भी पतीला हो या फिर कोई भी मिट्टी का बर्तन आप मार्केट से लेके आएंगे, जिसको आप गैस पर रखकर उसमें खाना बनाने वाले हो, जिसको आप हीट करने वाले हो, ऐसा कोई भी बर्तन आप अगर लाते हो, तो आपने क्या करना है, जब भी आप उसको मार्केट से लेके आएंगे तब कम से कम 2 दिन उसको पानी में भिगो के रखना है। आपने क्या करना है, एक बाल्टी में भर के पानी लेना है, बाल्टी भर के, और उसमें ये मिट्टी का बर्तन पूरी तरह से डूबना चाहिए। इस प्रकार से उसको भिगो के रखना है कम से कम 1 से 2 दिन के लिए। इसके बाद इस मिट्टी के बर्तन को निकालना है और कम से कम 1-2 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखाना है। धूप नहीं भी हो तो भी चलेगा, पर कम से कम 2 दिन ये मिट्टी का बर्तन सूखना चाहिए। उसके बाद ही आपने उसे गैस पर रख के इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, वो ज़्यादा दिन तक आपको टिकेगा। नहीं तो क्या होता है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, बहुत जल्दी क्रैक्स आने लगते हैं। अगर मेरे बर्तनों की बात करते हैं तो ये जो छोटी वाली हांडी है इसे लेके मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया है, और ये बड़ी वाली हांडी मैंने अभी ली है 3-4 महीनों पहले। इसे इस्तेमाल करते वक्त और एक चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम इस मिट्टी की हांडी को या फिर मिट्टी के पतीले को जब भी गैस पर रखते हैं सब्जी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, जो कुछ भी आपको उसमें बनाना हो, तब जब भी स्टार्ट करते हैं तो गैस लो फ्लेम पर स्टार्ट करना है। और ध्यान रहे कि बर्तन को खाली ना रखें। अगर आपको सब्जी बनानी है तो उसमें तेल डाल के रखें, अगर आपको राइस बनाना है तो उसमें पानी डाल के रखें, पर खाली बर्तन को रखना अवॉइड करें। सब्जी बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सब्जी बनाएं या फिर चावल बनाएं तो उसे हिलाने के लिए, उसे चलाने के लिए जो आप चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं वो चम्मच मिट्टी का हो तो अच्छा है। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से लकड़ी के चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। मैं जनरली ये लकड़ी के जो चम्मच है मेरे पास, इनका इस्तेमाल करती हूँ सब्जी या फिर चावल जो भी है उसे चलाने के लिए। दोस्तों, इन बर्तनों को यूज़ करते वक्त आपको एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास जो मिट्टी का बर्तन है उसका सरफेस फ्लैट है तो ठीक है, पर जनरली इनका सरफेस फ्लैट नहीं आता है, इस तरह से राउंड होता है, कर्व होता है नीचे से। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस बर्तन को नीचे रखें तो स्टैंड पर रखें, नीचे ना रखें। नॉट नेसेसरी कि आपके पास स्टैंड हो ही, अगर स्टैंड अवेलेबल भी नहीं है, अगर स्टैंड अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से उसको प्लेट के ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना हो तो कैसे बनाएं, मतलब कुछ स्पेशल मेथड है या ऐसा कुछ है, पर ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। जिस तरह से हम नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हैं खाना, उसी प्रकार से हम मिट्टी के बर्तन में भी खाना बना सकते हैं। दूध की अगर बात करते हैं, अगर आप दूध भी किसी मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहते हैं तो ये ध्यान रहे कि जो बर्तन आप सब्जी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बर्तन आप कभी भी दूध के लिए ना यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है, मिट्टी के बर्तन थोड़े बहुत अमाउंट में ही सही पर वो जो ऑयल होता है उसे सोक कर लेते हैं, फिर बाद में अगर आप उसमें दूध को गर्म करेंगे तो दूध फटने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप दूध भी मिट्टी के बर्तनों में स्टोर करना चाहते हैं तो बेटर है कि दूध स्टोर करने के लिए आप अलग से कोई बर्तन उसके लिए रखें। जहाँ तक दही जमाने की बात आती है दोस्तों, बहुत लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में अगर हम दही जमाते हैं तो उसमें चार पाँच दिन बाद ऊपर से फंगस आने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर मिट्टी के बर्तन में 4 से 5 दिन से ज़्यादा अगर आप दही को रखते हैं तो उसको ऊपर से फंगस आने लगता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप इसमें दही जमाते हैं 2 से 3 दिन तक इसमें आप आराम से रख सकते हैं, 2-3 दिन बाद इसे धो लेना है और बाद में आप इसे फिर से यूज़ में ला सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो चांदी के बर्तन में भी दही लगा सकते हैं, क्योंकि चांदी के बर्तन में दही लगाकर खाना बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने किया है। मैंने यहाँ पर चांदी की कटोरी में दही लगाया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जमा है। और बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ा दही एकदम मिट्टी के बर्तन में भी जमता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इन बर्तनों को साफ़ कैसे करना है, इनको धोना कैसे है। दोस्तों, जहाँ तक बात आती है इस प्रकार के मिट्टी की हांडी को साफ़ करने की, मैं क्या करती हूँ, कम से कम आधे घंटे के लिए इसमें पानी भर के रख देती हूँ। तो पानी भरने की वजह से क्या होता है, क्योंकि पहले से ही हमारे बर्तन ने ऑयल उसमें सोक कर लिया है, तो उसमें ज़्यादा खाना चिपका हुआ नहीं होता है। तो जो भी खाना थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, जो भी ऑयलीनेस है, वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है, और बाद में जब हम उसे सिंपली अगर जूने से साफ़ भी कर ले तो वो साफ़ हो जाता है।
पर फिर भी अगर आपको डेली अगर साफ करने की बात करें तो आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल उसे साफ करने के लिए कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई भी सॉलिड वाला सोप इसे साफ करने के लिए ना लूँ। और वैसे आइडियली अगर बात करते हैं, इसे साफ करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है इसे राख से साफ करना। अगर आपको कहीं से रक्षा मिल जाती है, देशी गाय के कंडे जलाने के बाद जो रक्षा बनती है वो रक्षा अगर आपको मिलती है तो आप उससे आप डेली इसको साफ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लिक्विड सोप से इसे साफ करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कम से कम हफ्ते में एक बार इस बर्तन को गर्म पानी से धोना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक बात करते हैं दही जमाने के बर्तन की, अगर इस तरह का बर्तन है आपके पास तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि दही जमाने का जो बर्तन होता है, जब भी आप इसे धोएंगे तो इसे गर्म पानी से धोना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि दही जो होता है वो खट्टा होता है और अगर वो उसके पार्टिकल्स अच्छे से साफ नहीं होते हैं, अच्छे से नहीं निकलते हैं तो इसमें फंगस आने के चांसेस होते हैं जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आप दही जमाने के लिए इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो साबुन से धोने के बाद इसे एक बार गर्म पानी से धो लेना बहुत नेसेसरी है। इन बर्तनों को साफ करते वक्त ध्यान रहे किस तरह के स्क्रब पैड का यूज़ करना है। दोस्तों इस तरह के बर्तनों को साफ करने के लिए आप ये जो जूना देख रहे हैं, ये जो स्क्रब पैड आप देख रहे हैं, इस तरह के स्क्रब पैड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये वाले जो स्क्रब पैड आते हैं मेटालिक स्क्रब पैड, इनका इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर है। वैसे कुछ होगा तो नहीं, पर अगर फिर भी चांसेस है कि अगर आप इस तरह के स्क्रब पैड का या फिर इस तरह के जूने का अगर आप साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें से मिट्टी के कण थोड़े थोड़े बाहर निकल के आ सकते हैं। ग्रीन वाला जो स्क्रब पैड आता है आप उसका भी इस्तेमाल इस तरह के मिट्टी के बर्तन साफ़ करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तनों के बारे में, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मिट्टी के बर्तन गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के बर्तन गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उसे हाई फ्लेम पे चलाना नहीं होता है, आपको उसे स्टार्टिंग में लो फ्लेम पे ही रखना होता है। पर अगर आप गौर से देखेंगे, जब भी आप सब्जी बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं तो बनने के बाद अगर सपोज़ ग्रेवी वाली सब्जी आप बना रहे हैं, बनाने के बाद आपने गैस बंद कर दिया तो कम से कम 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक बनने के बाद भी उस सब्जी में उबाल आते रहता है। इसका मतलब क्या है, वो बर्तन उतनी देर तक गर्म होता है। अगर हम लोहे की कढ़ाई की बात करें कि अगर गैस शुरू किया बर्तन गर्म, गैस बंद किया बर्तन ठंडा, मिट्टी का बर्तन गर्म होने में अगर टाइम लगता है तो उसे ठंडा होने में भी उतना ही समय लगता है। तो जब भी मुझे लगता है कि अभी 5 मिनट में मेरा राइस पकने वाला है तो मैं गैस बंद करके उस पर अच्छे से ढक्कन रख देती हूँ, जिससे 5 मिनट में मेरा राइस अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। तो अगर 5 मिनट मुझे स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है बर्तन गर्म करने के लिए तो लास्ट के जो 5 मिनट है वो भी मेरे बच जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकने के लिए ज़्यादा समय लगता है क्या? तो इसका जवाब है कुछ केसेस में हाँ, कुछ केसेस में नहीं। अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी इसमें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी पक जाती है, क्योंकि उस पर जो ढक्कन है वो बहुत अच्छे से स्टीम को लॉक करके रखता है, जिसकी वजह से सब्जी बहुत अच्छे से और ईजिली पक जाती है। जिस तरह से हम कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में या फिर और किसी बर्तन में बनाते हैं उसी प्रकार से। बात आती है अगर दाल या राइस पकाने की, तो आप समझ लीजिए कि अगर कुकर में आपको 15 मिनट लगते हैं दाल अच्छे से पकने के लिए या फिर चावल अच्छे से पकने के लिए, तो इसमें आपको 25 मिनट लगेंगे, इतना आप कंसिडर करके रखिए। पर कुकर में जो खाना हम बनाते हैं वो पकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम उसमें स्टीम लॉक करके रखते हैं, उसमें बिल्कुल हवा भी नहीं जाती है, ना ही उसमें सनलाइट जाता है, तो उसमें जो खाना बनता है वो पकता नहीं है, वो खाना फट जाता है। वैसा फटा हुआ और पोर्शन लेस खाना खाने से अच्छा है कि हम 10 मिनट हमारा गैस ज़्यादा चलाए और हमारी हेल्थ को अच्छा रखे। तीसरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि बर्तन ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, जल्दी फूट जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन बर्तनों को केयरफुली हैंडल करेंगे तो ये बर्तन आपको कम से कम 1 से 1.5 साल आराम से चलते हैं। दोस्तों बर्तनों का टूटना या फिर टिकना आपके हैंडलिंग के ऊपर भी है और साथ ही साथ उसके क्वालिटी पर भी डिपेंड होता है। बर्तन हैंडल करते वक्त आप ध्यान रहे कि जब भी आप उसको नीचे रखें तो स्टैंड पर रखना है, उसको ज़ोर से पटकना नहीं है। तो ये सब अगर सावधानी आप बरतेंगे तो आपका बर्तन कम से कम 1.5 साल तक आराम से जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, ये बर्तन कितने में आते हैं? दोस्तों ये जो छोटी हांडी है ये मैंने 1.5 साल पहले 250 रुपये में ली थी विद ढक्कन, और ये जो बड़ी वाली हांडी मैंने आपको दिखाई है वो मुझे 350 में मिली थी। दोस्तों सालाना अगर आपको सिर्फ 200-300 रुपये खर्च करके अगर इतनी अच्छी हेल्थ आपको मिल रही है तो मिट्टी के बर्तनों को एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनमें प्लेट्स भी आते हैं, प्लेट्स, बड़ी थाली, इस प्रकार के बर्तन भी आते हैं, पर अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, तो वो इस तरह के बर्तन टूटने फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल मैंने प्लेट्स नहीं लिए हैं मिट्टी के। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छे बर्तन होते हैं मिट्टी के, उसके बाद कांसे के। तो मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, पर इस प्रकार के कांसे के बर्तन हैं,
कांसे की थाली है जो हम डेली खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पूरा सेट लिया था मार्केट से। एक सेट में मुझे इस प्रकार से एक थाली, एक गिलास, दो कटोरी और एक चम्मच मुझे इसके साथ मिला था। दोस्तों, खाना खाने के लिए कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करना भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।